हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोग जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है। वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे चूज करने में हमको दिक्कत होती है कि ये करें ये बढ़िया रहेगा, हम ये कर पाएंगे। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे आपको बिजनेसेस मिलते हैं, तो हमें चूज़ करना पड़ता है भाई कौन सा बिज़नेस हम करें, किस में ज़्यादा पैसा है। क्योंकि जब हम बिज़नेस करने के लिए जाते हैं तो एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि इसमें हमें आराम रहेगा, कौन बिज़नेस हम आराम से कर सकते हैं और जिसमें खूब सारा पैसा मिले, ये हर कोई सोचता है, ठीक है। और ज़्यादातर वो लोग सोचते हैं जो फ्रेशर होते हैं भाई, जिसका बिज़नेस बैकग्राउंड है, पहले से बिज़नेस कोई कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा निर्णय लेना आसानी होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है तो जो बिज़नेस कर रहे हैं अगर वो सफल है तो उसमें वो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पुराने बिज़नेस से मन ऊब जाता है, कुछ नया ट्राई करने हैं, तो ये भी कहीं अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक। तो अगर आप नए हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि कौन सा बिज़नेस करें, किराना करें, जनरल स्टोर करें, बिजली की सामान की दुकान खोलें, कपड़े की दुकान खोलें, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें या किस तरीके की दुकान करें, कोई मॉल खोलें, कोई मतलब बहुत कोई स्टॉल लगाएं, कोई किस तरीके का बिज़नेस करें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सीधा और सिंपल चीज़ है, क्यों कन्फ्यूज़न। पहली चीज़ तो ये भी होता है कि आपके पास पूंजी का अभाव है। सबसे पहले उसी हिसाब से बिज़नेस को हम देखें जिस हिसाब से हमारा पूंजी हो, यानी कि अगर आपके पास 1 से 2 लाख है या 50,000 है तो आप उसी हिसाब से बिज़नेस को छाटी ये बिज़नेस हम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे भी चैनल पे और यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, बहुत सारी चीज़ें कितने स्टार्टअप कम से कम लगेगा, ठीक है। वो उससे एक आंकड़ा मिलता है, ज़रूरी नहीं उससे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम में तो नहीं लेकिन ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो उसको आप देखिए कि अगर आपका बजट 50,000 है तो 50,000 में आप कौन कौन बिज़नेस कर सकते हैं, 1 लाख है तो 1 लाख में कौन कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें से 5 या 10 बिज़नेस छाटिए। फिर उसको वॉच करिए उस बिज़नेस को, ठीक है। अगर भाई ऊपर चले जाइए 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का, जो भी आपका बजट, उस बजट में आप कौन कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें आप देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कुछ महीनों तक कि लोग जो किए हैं या जो लोग कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट है, ठीक है। फेल्योर से मत पूछिएगा, जो बिज़नेस करके बिज़नेस को तोड़ देता है, चाहे उसकी, जैसे देखिए मार्केट में 100 लोग दुकान खोले तो 90 लोग दुकान बंद कर देते हैं, कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हो, ठीक है। लेकिन जो 10% लोग हैं दुकान को चलाते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं तो जो किसी रीज़न से ही नीचे आते हैं लेकिन बाकी लोग सेट रहते हैं, ठीक है। जैसे पारिवारिक रीज़न, कोई बहुत ज़्यादा परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जिसकी वजह से हिल जाता है आदमी, ठीक है, तो वो तो छोड़ दो उसको, ठीक है। लेकिन जो 90 लोग आते हैं वो उस बिज़नेस की जिससे वो कट के आते हैं उसकी बुराई करते हैं, उस 90 में से 5 ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बुराई नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं, यार मैं उस बिज़नेस के लायक नहीं था, मैं उस बिज़नेस में ये गलती कर रहा था, मेरी मतलब मजबूती क्षेत्र में है और वहाँ से जो कुछ भी हुआ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, वो 5 लोग करेंगे, ठीक है। बाकी जो 85 लोग बचेंगे वो तो बुराई करेंगे, ठीक। तो उनसे राय अगर लेंगे तो वो हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, क्योंकि कपड़े की दुकान भी खुलती है बंद हो जाती है, किराना भी खुलती है बंद हो जाती है, जनरल स्टोर भी खुलती है बंद हो जाती है, कोई चट्टी चौराहों पर जो बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो हर बिज़नेस को लोग खोलते हैं बंद करते हैं, वो बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। तो उनसे अगर आप राय लेंगे तो वो कहेंगे ये बिज़नेस बेकार है, ये है वो है दुनिया भर का, ठीक है इसमें। और कुछ चीज़ों में हम ये भी कंफ्यूज रहते हैं, भाई इस बिज़नेस में ये घाटा है, बिज़नेस में ये घाटा है, बिज़नेस में ये कंपटीशन है, तो एक चीज़ तो आप जानिए, घाटा हर बिज़नेस में होता है, हर बिज़नेस में फ़ायदा है, हर बिज़नेस में घाटा है, सबकी अलग अलग कंपटीशन क्षेत्र है, हर बिज़नेस में कंपटीशन है, सब में अलग अलग समस्याएं हैं। परफेक्ट बिज़नेस अगर आप खोलेंगे जिसमें समस्याएं भी ना मिले, कंपटीशन भी ना मिले, मज़ा भी आए, पैसा भी हो, मतलब ये सब कुछ मिल जाए आपको, तो ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है। बिज़नेस में समय लगता है, पैसा लगता है, मुनाफा होता है, नुकसान होता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो दिमाग में आप सेट कर लीजिए। इसके बाद अपने बजट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिए क्या करना है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि छोटे बिज़नेस को नहीं करते, सीधा बड़ा ख्वाब देखते हैं, जिसकी जितनी उनकी पूंजी भी नहीं हो उससे ज़्यादा वो सोचते हैं। देखिए, बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ आप स्टार्ट किए तो अब उसको ज़िंदगी भर करना है। जैसे आपके पास 50,000 रुपये, एक बात समझिएगा, तो आपने 50,000 रुपये लेवल में एक दुकान खोल लिया, मान लीजिए कोई फास्ट फूड का दुकान खोल लिया, सब्जी खोल लिया, फल का खोल लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक छोटी मोटी किराने की दुकान खोल ली, एक टारगेट बनाई कि इसे हमें 5 साल 6 साल करना है, इसके बाद हमें अगले 5 साल में बिज़नेस को चेंज करना है, ठीक है। तो आप दूसरे बिज़नेस में जा सकते हैं, एक टारगेट बनाइए, क्योंकि जो आपको बिज़नेस, बिग बिज़नेस करना है वो माइंड में रखिए,
छोटे बिजनेस को करते जाइए, प्रॉफिट बनाते जाइए, कुछ पैसे सेव करते जाइए अपने काम को करते हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका पैसा सेव होगा तो आप बड़ा बिजनेस पे जाएंगे। समय लगेगा, 10 साल 15 साल 20 साल लग सकता है एक बड़े बिजनेस का। और कोई बिजनेस रातों रात तो बड़ा होता नहीं है, ना एक साल छः महीने में, समय लगता है बिजनेस में। जिनको आप बड़ा होते हुए देख रहे हैं अपने सामने, अपने मार्केट में या फिर देश में कहीं पे भी जो भी बिजनेसमैन हो, तो क्या वो कितने दिन में बड़े हुए? समय लगा उनको बड़ा होने में, समझने में समय लगा, ठीक है, तब जाके वो बड़ा हुआ। तो उनको हम आज देख रहे हैं कि हम अगले 6 महीने में उनके जैसे हो जाए या उनसे कुछ नीचे ही हो जाए, मतलब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, तो आपको समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बिज़नेस कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है कि आप बहुत सफल हो जाए। कोई स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं और वो स्टार्टअप खरा उतर गया, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों की, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने जनरेट कर दिया जो मार्केट में नहीं है और लोगों की ज़रूरत है, तो वो बात अलग है, उसमें आप बूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये परेशानी मार्केट में है और उससे रिलेटेड आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, यानी मार्केट की डिमांड है और आपने लॉन्च कर दिया, तो बहुत ज़्यादा आपकी सेल होगी और बहुत बड़ी कंपनियां बना सकते हैं, तो वो बाय लक हो गया, वो तो फिर आप रिसर्च करेंगे, बहुत सारे टाइम देंगे, तब होगा। लेकिन अगर नॉर्मल दुकान, एक नॉर्मल बिजनेस करना है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है, जो आपको प्रेजेंट टाइम में अच्छा लग रहा हो आप शुरू करो। बिजनेस का मतलब है कि आप शुरू कर दो, सोचो मत, ठीक है। बिजनेस में ज़्यादातर चांस ये होगी आप फेल हो जाएंगे, तो उससे आप सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ बताए कि आप कम पूंजी में बिजनेस करें, बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस के यहाँ सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगो होता है, लोग सीखते नहीं है किसी के अंडर में, ठीक है। जैसे आपको कोई कपड़े की दुकान खोलनी है, तो कपड़े की दुकान पे यार जाओ, 2 महीने काम कर लो, फ्री में कर लो, नहीं अगर सामने वाला पैसा नहीं देने के लिए तैयार तो फ्री में कर लो। कोई दुकान आपको खोलनी है तो जाओ दूसरी सिटी में, जाओ उसके यहाँ रहो, बिजनेस को सीखो, ये तो सबसे आसान तरीका है। क्योंकि बिजनेस को जब आप सीखते हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा इस बिज़नेस में क्या कमियां हैं, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या इसमें चैलेंजेस है, करना हमें सूट करेगा कि नहीं, ये कर पाएंगे कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा। आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका मेहनत भी बच जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि आदमी के पास पैसा हो गया, बस तुरंत दुकान खोलो, और दुकान खोलने के बाद परेशान, समझ में आ रही है ये होता है वो होता है, ये बनवाना है वो बनवाना है, दुनिया भर का, और दुकान बंद हो जाता है। और जब एक बार बंद हो गया, मनोबल डाउन हो गया, फिर आप लगे वही 20,000, 30,000, 25,000 की नौकरी खोजने, फिर आप जॉब में लग गए, आपको लगेगा जॉब ही बेहतर है, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस बिजनेस होता है यार, ये आपका खुद का है और आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं अपनी स्किल से, अपने दिमाग से, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद भी, इतना बताने के बाद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो यार कमेंट करो, क्या कन्फ्यूज़न है तुरंत इस वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था रिसेंटली, बहुत लोगों का कमेंट आया था, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बहुत है, लेकिन आप स्टार्ट करो, जो भी आपके प्रेजेंट टाइम में, जो भी आपके पैसे के हिसाब से सेट बैठता है बिजनेस, उसको स्टार्ट करो, ठीक है। या स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो उसे सीखो, किसी के यहाँ काम करो, ठीक है, या उसे वॉच करो बिजनेस को। और कौन सा तरीका है? कन्फ्यूज़न भगाओ, बिजनेस शुरू करो। एक बार जब आप बिजनेस में उतर जाओगे किसी भी फील्ड में, आपको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात है तो यार क्या बात है, वो चीज़ आप कमेंट जरूर करें, रिप्लाई हम आपको करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी हमारे यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।